की परंपरा का निर्वाह करते हुए मैं इन चारों दिशाओं को, इन मदमस्त हवाओं को, माँ स्वरूपा इस धरती को, अनंत ऊंचाइयों से परिपूर्ण पिता स्वरूप इस आकाश को, शक्तिदायिनी अग्नि को और शीतलता से परिपूर्ण उस जल को, साथ ही देवादी देवों को और हमारे इस नाटक के साक्षी बनने आए आप महानुभावों यानी दर्शक देवताओं को अपना करबद्ध प्रणाम करती हूँ और शुरू करती हूँ अपना काम लेकर देवों के महादेव पंच तत्व महाभूतों का नाम। Dagina,
नजरिया छीनी रे जीनी जदरिया छीनी रे जीनी हे राम नाम रसबीनी जदरिया छीनी रे जीनी हे राम नाम रसबीनी जदरिया छीनी रे जीनी और इस तरह निर्माण हुआ जीवन का। हम पांच तत्वों की समावेश से मानव देह बनी और इसी मानव देह को संपूर्णता एवं शक्ति देकर उसे सुंदर संसार में जीवन यापन के लिए भेजा। मनुष्य ईश्वर की अनुपम कृति है। मनुष्य को यदि हम पंच तत्वों के बारे में समझाया जाता तो शायद इसे समझने में अधिक समय लगता। इसलिए उन मनुष्यों ने हमें समझने का एक आसान सा तरीका निकाला। उन्होंने कहा, यदि मनुष्य भगवान या अल्लाह को याद रखेगा तो हम पंच तत्वों को सदैव याद रखेगा। भगवान भगवान से भूमि अर्थात पृथ्वी, ग से गगन अर्थात आकाश, व से वायु अर्थात हवा, अ से आग अर्थात अग्नि और न से नील अर्थात जल। ठीक उसी तरह अलैहिल्लाह अर्थात अल्लाह, अ यानी आग अर्थात पानी, ल यानी लाभ अर्थात भूमि, ई यानी इलाह अर्थात वायु, अ यानी आसमान, ह यानी हरक अर्थात अग्नि। और इसी तरह मानव ईश्वर और अल्लाह के बहाने हम पांचों को याद करता रहा और बिना रुके आगे बढ़ता चला गया। बहुत ही मनमोहक।